अतीक हत्याकांड पर सियासत करने वाले नेता जब एसी चलाकर खर्राटे मार रहे थे, उसी आधी रात योगी एक साथ तीन फोन लिए एक्टिव थे, प्रयागराज की खबर आई। उसी समय योगी कंट्रोल रूम में बैठ गए और पूरी रात नहीं सोए। अब योगी ने तय कर लिया है कि अतीक का हिसाब करने वालों का हिसाब खुद करेंगे। रात 11 बजे से योगी ने किसे फोन मिलाया और क्या बोला, ये रात की पूरी रिपोर्ट है। एक हाथ में पानी से भरा ग्लास और दूसरे हाथ में फोन लेकर योगी रात भर प्रयागराज का जायजा लेते रहे। सामने टीवी ऑन था, वो चैनल बदल बदल कर यूपी के चप्पे चप्पे की खबर ले रहे थे। प्रदेश की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो रात भर जागते रहे। नींद की झपकी आती तो तुरंत उठ खड़े होते और कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में टहलने लगते ताकि नींद न आ जाए। योगी आदित्यनाथ के जीवन की ये पहली रात थी जो इतने कष्ट में बीती होगी। 50 साल की उम्र, 25 साल का राजनीतिक करियर और 6 साल सीएम के रूप में बिताने वाले योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे मुश्किल रात रही। जैसे ही योगी के लैंडलाइन नंबर पर माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की मौत की खबर आई, पहले टीवी ऑन किया और फिर फौरन प्रमुख गृह सचिव संजय प्रसाद को प्रयागराज के लिए रवाना कर दिया। एक फोन उठाते तो दूसरी बजने लगती, दूसरा उठाते तो तीसरा बजने लगता। योगी के कमरे में पूरी रात फोन की घंटियां बजती रहीं और वो कभी इस फोन को तो कभी उस फोन को कान से लगाकर टहलते रहे। प्रयागराज कांड के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई प्रोफाइल मीटिंग भी बुलाई। तत्काल डीजीपी, एडीजी मुख्यमंत्री आवास पर बुलाए गए, एडीजी गृह सचिव और बड़े ऑफिसर भी आवास पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के ओएसडी मृत्युंजय कुमार भी सीएम आवास पहुंचे। इसी बीच आधी रात को उत्तर प्रदेश के स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार सीएम योगी के आवास पहुंच गए। उन्होंने सीएम योगी को पूरे घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी दी। स्पेशल डीजी ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, योगी कुर्सी से उठ खड़े हुए। योगी के खड़ा होते ही तुरंत प्रशांत कुमार भी उठ खड़े हुए। योगी ने कहा, आप जाइए, स्थिति पर नजर रखिए और एक एक पल की अपडेट देते रहिए। प्रशांत कुमार कमरे से जैसे ही बाहर निकले, योगी ने आदेश जारी करना शुरू कर दिया। पूरे प्रयागराज में तत्काल प्रभाव से धारा 144 के आदेश जारी कर दिए गए। आसपास के जिलों की फोर्स को प्रयागराज पहुंचने के ऑर्डर जारी हो गए। पूरे प्रदेश में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गईं। तत्काल प्रभाव से 17 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया। प्रयागराज के चप्पे चप्पे पर पीएसी और आरएएफ की तैनाती कर दी गई। पूरे उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन के गठन के आदेश जारी कर दिए गए। प्रयागराज की सीमाओं को सील कर दिया गया। एक एक संदिग्धों की तलाशी ली जा रही है। शक होने पर तुरंत कड़ी पूछताछ की जा रही है। यूपी की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी खुद योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है। एडीजी से लेकर डीजीपी रैंक तक के अधिकारी योगी को प्रयागराज के पल पल की खबर दे रहे हैं। फैसले खुद योगी कर रहे हैं। बार बार अधिकारियों से यही पूछ रहे हैं, कानून व्यवस्था तो कहीं नहीं बिगड़ी, जितने फोर्स की जरूरत हो तैनात कर दो, लेकिन एक परिंदा भी पर न मार सके। प्रयागराज में ऐसी सुरक्षा इंतजाम कर दो। योगी ने सख्त चेतावनी दे दी है, कोई अफवाह न फैलाए, कानून के साथ कोई खिलवाड़ न करे, जनता किसी अफवाह पर ध्यान न दे, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लखनऊ के हुसैनाबाद में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। प्रयागराज में अतीक और उसके भाई की मौत के बाद संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त कर रही है। प्रयागराज में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि हम लोग घटना की जांच कर रहे हैं, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, गिरफ्तार लोगों से अभी पूछताछ की जानी है। सहायक पुलिस आयुक्त करेली श्वेता पांडे ने बताया कि अतीक और अशरफ को रूटीन जांच के लिए अस्पताल लाया गया था, तभी ये घटना हुई। उन्होंने ये भी बताया कि तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि उन्होंने अन्य कोई ब्यौरा नहीं दिया। पुलिस के अनुसार घटना स्थल पर 3 पिस्तौल, 1 मोटरसाइकिल, 1 वीडियो कैमरा, 1 न्यूज चैनल का लोगो पड़ा मिला है। अंदेशा है कि तीनों हमलावर मीडिया कर्मी बनकर आए और घटना को अंजाम दिया। उन्होंने अपने गले में पहचान पत्र भी लटका रखे थे। आपको बता दें कि प्रयागराज में 15 अप्रैल की रात करीब 10 बजे माफिया अतीक अहमद और उसके भाई को गोली मार दी गई थी। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। मीडिया कर्मी बनकर आए हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे माफिया और उसके भाई की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों हमलावर UP-70 M7337 पल्सर मोटरसाइकिल से आए थे। अब पुलिस पता लगाएगी कि क्या ये नंबर फर्जी तो नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी। पुलिस अब इस बात की जानकारी जुटाएगी कि बाइक कहां से लाई गई, वहीं इसकी भी जानकारी जुटाई जाएगी कि कैमरा कहां से लिया, फेक कैमरा है या कहीं से खरीद कर लाए, माइक आईडी किस चैनल की थी या फर्जी थी। फोरेंसिक टीम के 5 अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, वो हर सबूत जुटा रहे हैं। घटना ने देश भर में सनसनी फैला दी है। घटना में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ जारी है।